राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों और बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल कार्यक्रम चला रही है। सोमवार को भाजपा द्वारा जिले के सभी मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय पर डिस्कॉम कार्यालय पर भाजपा नगर मंडल द्वारा प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। वहीं अपनी मांगों का ज्ञापन डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता को सौंपा। कोरोना काल में प्रदेश की जनता आर्थिक और व्यापारिक तंगी के दौर से गुजर रही है। इसी बीच भारी भरकम बिजली बिल इन दिनों आमजन को हजार वोल्ट का झटका दे रहा है। अप्रैल मई एवं जून जुलाई में राज्य सरकार द्वारा बिजली बिलों में बढ़ाए गए फ्यूल चार्ज और यूनिट दरों को लेकर जहां प्रदेश के लोग गहलोत सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, वहीं अब विपक्षी दल भाजपा भी जनता के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है और राज्य सरकार का विरोध कर रही है। इसी को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत शहीद उगम सिंह सर्किल के पास स्थित डिस्कॉम कार्यालय का घेराव कर बिजली बिलों में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में अधीक्षण अभियंता के नाम और ईमेल के माध्यम से सूबे के मुखिया गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ भाजपा प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश मोदी के नेतृत्व में गहलोत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रकट किया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में भाजपाइयों ने बताया कि कोरोना काल में जहां अन्य राज्यों की सरकारें बिजली बिल में रियायत देकर आमजन को राहत प्रदान कर रही हैं, वहीं राजस्थान सरकार फ्यूल चार्ज बढ़ाकर और प्रति यूनिट बिजली दर बढ़ाकर राहत देने की बजाय आम जनता की जेब काट रही है। वहीं अघोषित बिजली कटौती से भी प्रदेश की जनता बेहाल है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में भाजपाइयों ने अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने, सेवा शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और यूनिट दर को कम कर प्रदेश की जनता को राहत देने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, जिला महामंत्री संपत राज बोथरा, स्वरूप सिंह खारा, वरिष्ठ नेता अमृतलाल जैन, जिला महामंत्री आनंद पुरोहित, नेता प्रतिपक्ष पृथ्वीराज चंडक, नगर उपाध्यक्ष रेणु दर्जी समेत भाजपा के कई पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस नीत सरकार जो अशोक गहलोत द्वारा शासित हो रही है, उस राज्य में जो अव्यवस्थाएं हैं और जो जनता पर जो भार पड़ रहा है उसके विरुद्ध में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम जो किया गया है, इसके तहत आज बिजली बिलों को लेकर जो जनता पर जो भार डाला गया है अशोक गहलोत द्वारा, उसके विरुद्ध में आज यहाँ पर प्रदर्शन बिजली घर विभाग के सामने भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो बिजली के बिलों में दरों में वृद्धि, सेवा शुल्क में वृद्धि, फ्यूल चार्ज में जो वृद्धि की गई है और अनावश्यक रूप से अपना जो उन्होंने संकल्प पत्र एजेंडा जो चुनाव के समय दिया था उसके विपरीत, जहाँ वो माफ़ करने चाहिए थे बिल इस कोरोना काल में, और उसकी बजाय जनता के ऊपर जो भार डाला है, इसके विरुद्ध में जनता की मांग को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहां पर अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया है और प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी तरह समदड़ी कस्बे में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बिजली बिलों में बढ़ाए गए फ्यूल चार्ज और प्रति यूनिट दर को लेकर सरकार का घेराव किया और 3 माह के विद्युत बिल माफ करने की मांग को लेकर सहायक अभियंता के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सीएम के नाम सौंपे ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना काल के चलते कस्बे के लोग आर्थिक तंगी के साथ व्यापारिक तंगी के दौर से भी गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके सरकार रियायत देने की बजाय भारी भरकम बिजली बिलों से उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। सीएम के नाम सौंपे ज्ञापन में समधड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं ने 3 माह के बिजली बिल माफ करवाने के साथ बढ़ाई गई प्रति यूनिट दर और फ्यूल चार्ज को वापस लेने की मांग की है।